तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहलवान वर्सेस कमांडो की एक जंग दिखाई है, लेकिन इसके साथ साथ बात यहीं पर थमती नहीं है। इस सेंटेंस के साथ साथ आगे भी बढ़ें अगर हम, तो चैंपियंस में एक और अहम बात आज जिसकी हम करेंगे वो है नीरज फोगाट की। टोक्यो ओलंपिक के संभावितों में से एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज नीरज फोगाट डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसके कारण नीरज को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। और इस निलंबन के पीछे का जो असर, अब आप ये देखेंगे कि 2020 के टोक्यो में नीरज फोगाट अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। डोप टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसमें फेल होने का दुख स्कूल कॉलेज में फेल होने से ज्यादा होता है, और खासकर तब जब आप देश के लिए खेलते हुए इस टेस्ट में फेल हो जाएं। एक मुक्केबाज अपने दम पर अपने पंच से देश को पदक दिलाता है, लेकिन एक ऐसे ही पदक दिलाने वाली महिला मुक्केबाज नीरज फोगाट डोप टेस्ट में फेल हो गई है, और नीरज फोगाट को अस्थायी तौर पर निलंबित भी कर दिया गया है। नीरज को प्रदर्शन बेहतर करने वाली प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया है। अस्थायी निलंबन के चलते नीरज अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं ले पाएंगी। नीरज के टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने के बाद दुख तो हुआ, न सिर्फ हमें हुआ बल्कि नीरज फोगाट के पूरे परिवार को हुआ। परिवार के लोगों ने तो ये तक कह दिया कि नीरज ऐसा कर ही नहीं सकती। 25 साल की महिला बॉक्सर नीरज फोगाट मूल रूप से चरखी दादरी जिले के झींझर गांव की रहने वाली हैं। नीरज ने बुल्गारिया में इस साल स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में कांस्य पदक और रूस में आयोजित एक टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज फोगाट ने गुवाहाटी में इंडिया ओपन में भी स्वर्ण पदक जीता था। नीरज के नमूने 24 सितंबर को लिए गए और इनकी जांच कतर की लैब में की गई। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी के अनुसार 3 नवंबर को डोपिंग निरोधक लैब से मिली रिपोर्ट में नीरज को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया था। नाडा ने डोपिंग निरोधक नियम 2015 के उल्लंघन संबंधी नोटिस उन्हें दे दिया था और 13 नवंबर से अस्थायी तौर पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में नीरज के 2 गोल्ड हैं, जबकि एक ब्रॉन्ज मेडल भी उनके नाम है। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। आइए एक नजर डालते हैं नीरज की उपलब्धियों पर। नीरज फोगाट 2 बार के नेशनल चैंपियन हैं, 3 बार वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की चैंपियन बनी, सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड जीता, जापान में आयोजित बॉक्सिंग स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड जीता, फ्रांस में आयोजित बॉक्सिंग स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड जीता, रूस में आयोजित हुए बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उन्होंने गोल्ड जीता, ओपन इंडिया गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दरअसल सपना सिर्फ 57 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने वाले मुक्केबाज नीरज का नहीं टूटा है, सपना देश का भी टूटा है, धक्का उम्मीदों को भी लगा है, क्योंकि नीरज से पूरे देश को उम्मीद थी कि वो ओलंपिक में पदक जरूर लाएंगी। जनता टीवी के खास कार्यक्रम चैंपियन के लिए चरखीदादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। जैसे में सवाल बहुत हैं कि डोप के शिकार आखिर कब तक खिलाड़ी होते रहेंगे और कब उन्हें डोप की असल जानकारी दी जाएगी कि कौन सी दवा प्रतिबंधित है और कौन सी नहीं। चैंपियन की आज की पेशकश में बस इतना है, कल फिर से हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।